सो गाइज हम लोग ओपी पढ़ रहे थे और हमारा जो थर्ड सेशन था उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया वो था पॉलीमॉर्फिज्म, और एक टॉपिक बच गया एंड दैट इज अब्स्ट्रैक्शन। तो ये भी ओपी के कोर पिलर्स में से एक है और आपको अब्स्ट्रैक्शन आना चाहिए। द बैड थिंग इज कि अब्स्ट्रैक्शन थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड है, और इनफैक्ट कई जगहों पे मैंने देखा है सही से नहीं समझाया जाता है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सप्लेन अब्स्ट्रैक्शन एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि अब्स्ट्रैक्शन का क्या जरूरत हो सकता है। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्शन वर्ड का मीनिंग होता है छुपा हुआ या हिडन। ठीक है, सो जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल अब्स्ट्रैक्शन का। जैसे कि हमारा लैपटॉप है, अब हमारे लैपटॉप के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, सर्किट्स हैं, बट हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता। हमें बस लैपटॉप को सरफेस लेवल पे चलाना आना चाहिए, कीबोर्ड हैंडल करना आना चाहिए, माउस हैंडल करना आना चाहिए, एंड दैट्स इट, आप लैपटॉप चला सकते हो। तो लैपटॉप इज एक्चुअली अब्स्ट्रैक्टेड। जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है कि कैसे बना है वो हिडन है, बस मेन चीज सरफेस पे है कि क्या चीज करना है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल कुड बी इवन इन नेचर देर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, छुपे हुए हैं, बट उनको यूज करके आप कई तरह की चीजें कर पाते हो, जैसे सेलफोन पे बातें कर पा रहे हो या फिर इंटरनेट यूज कर पा रहे हो। तो आई होप इट्स अ कॉन्सेप्ट जो नेचर में भी एग्जिस्ट करता है और फिर सॉफ्टवेयर में भी एग्जिस्ट करता है। अब अब्स्ट्रैक्शन मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यू आर वर्किंग एट अ बैंक। ठीक है, यू आर वर्किंग एट अ बैंक एंड यू आर द सीनियर मोस्ट डेवलपर, सबसे सीनियर बंदे आप हो, एंड यू आर गोइंग टू बिल्ड दिस बैंक का एप्लीकेशन। अब बैंक का जो एप्लीकेशन है वो कैसे काम कर रहा है कि देर इज अ टॉप लेवल एप्लीकेशन जो डेटाबेस वगैरह से कनेक्टेड है, और सारा डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी वहीं से एग्जीक्यूट होता है। अब उसके नीचे लेवल पे दो और एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, एक है आपके बैंक का वेबसाइट एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन, और दूसरा है आपके बैंक का मोबाइल ऐप, उसका कोड। ठीक है, सो पूरा हायरार्की कैसा है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो पूरा हायरार्की समथिंग लाइक दिस कि सबसे टॉप पे है बैंक का मेन एप्लीकेशन जो आपके डेटाबेस से कनेक्टेड है, राइट? मतलब डेटाबेस में कुछ भी काम करवाना है आपको, आप इसी के थ्रू करवाओगे। और इसके नीचे देर आर टू मोर एप्लीकेशंस या क्लासेस, वन इज वेब ऐप एंड द सेकेंड वन इज मोबाइल ऐप। ठीक है, अब होगा क्या कि वेब ऐप को अगर कुछ भी डेटाबेस से करवाना हो तो वो बैंक ऐप से हेल्प मांगेगा, और मोबाइल ऐप को भी अगर कुछ भी करवाना है तो वो बैंक ऐप से हेल्प मांगेगा। सो बेसिकली यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है। अब यहां पर मेन फंडा आता है कि इफ यू आर द सीनियर मोस्ट गाय हु इज क्रिएटिंग दिस बैंक ऐप वाला क्लास, आप क्या चाहते हो कि जो भी आपकी चाइल्ड क्लासेस है, वेब ऐप और मोबाइल ऐप, अगर वो आपका चाइल्ड क्लास बनना चाहते हैं तो आप उनके सामने ये एक काइंड ऑफ ऑर्डर रख रहे हो कि अगर तुम मेरे से बाकी चीजों का हेल्प लेना चाहते हो, डेटाबेस रिलेटेड चीजों का हेल्प लेना चाहते हो, तो फिर आपको सिक्योरिटी वाला कोड लिखना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है बट ध्यान से सुनना। सो एज अ सीनियर मोस्ट डेवलपर व्हाट आई एम डूइंग इज मैं अपने नीचे वाले जो प्रोग्रामर्स हैं जो वेब ऐप और मोबाइल ऐप बना रहे हैं, मैं उनके ऊपर एक कंस्ट्रेंट फोर्स करना चाहता हूँ कि देखो भाई, अगर तुम मेरी क्लास को इनहेरिट करना चाहते हो तो एक ही शर्त पे वो होगा कि आपको सिक्योरिटी वाला फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज वेब ऐप शुड बी सिक्योर एंड मोबाइल ऐप शुड बी सिक्योर। सो अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एज अ सीनियर डेवलपर अपने लोअर क्लासेस के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये पूरा सिनेरियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। सो लेट मी शो यू। मैं सबसे पहले एक क्लास बना रहा हूं और इस क्लास का नाम है बैंक ऐप। ठीक है, और ये जो बैंक ऐप है ना, ये एक्चुअली एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, इट्स एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसके अंदर एटलीस्ट
एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, ठीक है? अब आपके दिमाग में आएगा अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। सो अब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखा होता, मतलब कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है? दो तरह के मेथड्स होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंक्रीट मेथड। कंक्रीट मेथड वो होते हैं जो आपने अभी तक बनाए, जिसके अंदर कुछ कोड लिखा रहता है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर कोई कोड नहीं लिखा रहता, ठीक है? अब आप क्या करोगे, सबसे पहले यू विल इम्पोर्ट फ्रॉम एबीसी मॉड्यूल, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस मॉड्यूल, यू वुड इम्पोर्ट एबीसी अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कॉमा अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है? अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। मेरे बैंक क्लास में मैं दो मेथड्स बना रहा हूं। वन मेथड इज डेटाबेस के साथ काम करने का मेथड, सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड डेटाबेस। और यहां पे लेट्स से हमने लिख दिया कनेक्टेड टू डेटाबेस, ठीक है? और फिर मैंने एक और मेथड बनाया सिक्योरिटी बोल के, एंड दिस मेथड इज एक्चुअली गोइंग टू बी एन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई पीस ऑफ कोड नहीं होगा, और आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए एट द रेट अब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर यूज करते हो। इससे क्या होता है कि आपका कोई भी मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है, ठीक है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नॉट डिफाइंड। एक काम करते हैं, एक बार इस क्लास को चला के देखते हैं। str होगा शायद, अब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नॉट डिफाइंड, यस, ठीक है? ये बन गई हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है? अब देखो मैं एक और क्लास बना रहा हूं, और इस क्लास का नाम है ऑल्सो, इस पॉइंट पे ये जो हमने क्लास बनाई है ये अभी अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास तब बनेगी जब ये एबीसी क्लास से इनहेरिट करेगी। नाउ दिस हैज बिकम एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है? सो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनने के लिए दो चीजें करनी पड़ती हैं। पहला, आपको एबीसी क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है। दूसरा, आपके क्लास में एटलीस्ट एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा रहता और उसके ऊपर एक डेकोरेटर लिखा रहता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, ठीक है? अब यहां पर मैं एक और क्लास बना रहा हूं, लेट्स से मोबाइल ऐप बोल के, और ये इनहेरिट कर रही है बैंक ऐप को, ठीक है? और इसके अंदर इसका खुद का एक मेथड है मोबाइल अंडरस्कोर लॉगिन, जो बेसिकली लॉगिन करा रहा है इनटू मोबाइल, ठीक है? अब समझने की कोशिश करो पूरा सेटअप क्या है, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। सो हमने मोबाइल ऐप को बैंक ऐप से इसलिए इनहेरिट करवाया बिकॉज मुझे ये डेटाबेस वाले मेथड की जरूरत है, क्योंकि मोबाइल ऐप को भी डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा तभी ट्रांजैक्शंस हो पाएंगे, दैट इज वाई मैंने इनहेरिट करवाया। अब ये जो सीनियर प्रोग्रामर है ये क्या बोला कि देखो भाई, तुम डेटाबेस वाला जो मेथड है उसको यूज कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पे, और वो शर्त ये है कि तुमको अपने क्लास में सिक्योरिटी के लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू दैट। और सीनियर मोस्ट प्रोग्रामर ऐसा क्यों बोल रहा है, बिकॉज उसको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन सिक्योर होना चाहिए। तो उसने बोला कि देखो, अगर तुमको मेरा क्लास यूज करना है, मेरे मेथड्स यूज करने हैं, डेटाबेस वाले मेथड्स यूज करने हैं, तो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करो। अब ऐसा हो सकता था ना कि नीचे वाला क्लास नहीं मानता ये बात, और वो क्या करता, वो इंप्लीमेंट नहीं करता सिक्योरिटी वाला मेथड अपने में। तो देखो बिकॉज ऑफ दिस सेटअप क्या होगा, जब आप इस कोड को रन करोगे, रन तो हो जाएगा, बट जब आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे मोबाइल ऐप, वो भी हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, लेट मी सी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये एबीसी यहाँ पे डालने के बाद इस कोड को दोबारा रन नहीं किया। इस कोड को मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे इस कोड को रन कर रहा हूँ, और अब देखो मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा देखो क्या बोल रहा है।
बोल रहा है कांट इंस्टेंशिएट अब्स्ट्रैक्ट क्लास मोबाइल ऐप विथ अब्स्ट्रैक्ट मेथड सिक्योरिटी। सिंपल वर्ड्स में आप अब बैंक ऐप को तब तक इनहेरिट नहीं कर सकते जब तक आप बैंक ऐप का ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड अपने क्लास में ऐड नहीं करते। तो आपको झक मार करके यहाँ पर सिक्योरिटी बोल के एक मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी का कोड लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने फिलहाल लिख दिया मोबाइल सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखो मैं जैसे ही इस कोड को रन करूंगा और अब देखो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और अब ये ऑब्जेक्ट अगर चाहे तो डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकता है, अगर चाहे तो बाकी के मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता है। देखो डॉट मारा, चाहे तो मोबाइल लॉगिन को कर सकता है इसका खुद का और सिक्योरिटी को भी कर सकता है। सिक्योरिटी को करेगा तो ऑब्वियसली मेथड ओवरराइडिंग हो जाएगा और मोबाइल वाला अपना वाला एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली आप क्या सीखे कि अब्स्ट्रैक्शन यूज करके आपका जो हायर लेवल क्लास है वो लोअर लेवल क्लास को कुछ चीजें करने पे मजबूर कर सकता है। और ऐसा इसलिए अच्छा है बिकॉज इन अ प्रॉपर बिग एप्लीकेशन आप चाहोगे कि इफ यू आर मेकिंग द टॉप लेवल क्लासेस तो नीचे वाली जो क्लासेस हैं वो आपका कुछ बात माने। ठीक है, ऑल्सो इसको अब्स्ट्रैक्शन क्यों बुलाया गया, अगर ध्यान से देखो आप इस क्लास को जो आपका पेरेंट क्लास है अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर अगर कोई इस क्लास को स्टडी कर रहा है तो वो देख सकता है कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी का मेथड है बैंक ऐप के अंदर, राइट। अब कैसे इंप्लीमेंटेड है वो हमें नहीं पता, बट सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है ये हमें पता है। ठीक है, तो मोबाइल अलग ढंग से सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करेगा, वेब अलग ढंग से सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करेगा, विंडोज अलग ढंग से सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करेगा, आईओएस अलग ढंग से सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करेगा। सो जो इंप्लीमेंटेशन डिटेल है वो इस क्लास में नहीं है, इस क्लास में बस बताया हुआ है कि भाई देखो सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, तो मैं एक बार पूरी चीज को समराइज करता हूँ कि फंडा ये है अब्स्ट्रैक्शन का कि आप डिटेल्स छुपा देते हो और इसका एक्चुअल यूज केस क्या है कि आप एज अ सीनियर मोस्ट प्रोग्रामर या फिर टॉप लेवल क्लास डिजाइनर आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि आपकी चाइल्ड क्लासेस जो है वो आपकी बात माने। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से ले सकते हो कि एक बहुत ही बूढ़ा इंसान है जो बहुत अमीर है और वो मरने वाला है और उसके बच्चे चाह रहे हैं कि सारा जो वो प्रॉपर्टी है उनके नाम हो जाए, पर वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि मैं तब तक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं करूंगा जब तक तुम खुद को प्रूव नहीं करते, 1 लाख रुपए कमा के नहीं लाते, समथिंग लाइक दैट। आप बेसिकली अपनी चीजें देने के पहले एक क्लॉज अप्लाई कर सकते हो और वो क्लॉज सामने वाले को मानना पड़ेगा। और वो क्लॉज है क्या, वो क्लॉज है आपका अब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो कल को यहाँ पे अगर मैं एक और अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर दूँ, कॉपी लेट्स से एक और अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर दूँ मैं, लेट्स से डिस्प्ले, ठीक है, और अब मैं इस कोड को रन करूं और फिर से इस क्लास को बनाऊं और फिर से मैं मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाऊं, फिर से एरर आ जाएगा और बोलेगा कि डिस्प्ले नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिस्प्ले को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एंड यू विल हैव टू प्रोवाइड सम डिटेल कि डिस्प्ले कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस कोड को रन करते हैं, अब देखो ऑब्जेक्ट बन गया और अब आप यूज कर पाओगे। सो बेसिकली कंस्ट्रेंट अप्लाई करने का तरीका है। ठीक है, एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हमने डिस्कस किए। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसमें एटलीस्ट एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसमें कंक्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो एक चीज आपको याद रखनी है कि आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये देखो दिस कोड विल नॉट वर्क, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बैंक ऐप, आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, यू कैन नॉट मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ओके, सो आई गेस पूरा फंडा क्लियर है। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, हमेशा यूज भी नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में यूज होगा। मैंने कुछ वेबसाइट्स बनाई हैं अपनी लाइफ में जहां पे मैंने कभी अब्स्ट्रैक्शन यूज किया है, मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द लीस्ट यूज्ड ओपी प्रिंसिपल, बट या मतलब अपने जरूरत के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको अब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया।